हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डॉक्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द किर्कपैट्रिक मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार तो ये लॉन्ग में भी आता है, उसी तरह ये शॉर्ट में भी साथ के साथ आ जाता है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो, किर्कपैट्रिक मॉडल जो है डेट इज डिवेल्प बाय डोनाल्ड किर्कपैट्रिक, देखो ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज मॉडल है जिसके अंदर जो ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी रिजल्ट की एवेल्युएशन की जाती है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस जो होती है इस मेथड के द्वारा एवेल्युएट की जाती है। और जो किर्कपैट्रिक मॉडल है जिसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग मेथड दोनों को असेस किया जाता है, और यहाँ पे चार लेवल्स होते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। तो जहाँ पे इन चारों मेथड के अंदर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की एवेल्युएशन की जाती है, रेटिंग देम अगेंस्ट फोर लेवल्स ऑफ क्राइटेरिया, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। तो एवेल्युएशन जो है हमेशा लेवल वन से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद जो होता है लेवल टू, फिर उसके बाद लेवल थ्री एंड लेवल फोर। तो किर्कपैट्रिक मॉडल के अंदर जो प्रायर लेवल से इंफॉर्मेशन आती है वो नेक्स्ट लेवल की एवेल्युएशन के लिए बेस बन जाती है। ईच सक्सेसिव लेवल, जैसे जैसे हम लेवल वन से लेवल टू, लेवल टू से लेवल थ्री, लेवल थ्री से लेवल फोर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट जो है स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर जो है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को जो है मेयर करता है। और उसी तरह देखो ये जो एवेल्युएशन होती है, देखो यहाँ पे जो एवेल्युएशन होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि डेप्थ में होती है, रिगुलस और टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है जब हम हर एक लेवल को एवेल्युएट करते हैं। हर एक लेवल पे जो एवेल्युएशन होती है वो हमें बताती है कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव था, वेदर ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज मेट और नॉट। तो ऑल लेवल्स ऑफ द एवेल्युएशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेवल वन जो है रिएक्शन है, लेवल टू जो है लर्निंग है, लेवल थ्री जो है बिहेवियर है, लेवल फोर जो है रिजल्ट है। तो लेवल वन रिएक्शन के अंदर जो है पार्टिसिपेंट जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरह का रिएक्शन करते हैं, और उसी तरह लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं क्या उसकी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड चेंज हुआ है। बिहेवियर के अंदर होता है कि क्या पार्टिसिपेंट ने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, उसको वो अप्लाई कर रहे हैं। रिजल्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया था क्या वाकई इसको बेनिफिट हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जो है हर लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं। लेवल वन जो है डेट इज द रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एवेल्युएशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लर्नर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है क्या ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए किया जा रहा है क्या ये रेलिवेंट है, क्या ये आपके लिए आपको इंगेज कर रहा है, क्या इसके अंदर जो आप सीख रहे हो उसको इजीली अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके सेटिस्फेक्शन को ये मेयर करता है। तो ये जो ट्रेनी का रिएक्शन है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। फीडबैक जो है पोस्ट ट्रेनिंग सर्वे से जो है ऑब्टेन किया जाता है। उसी तरह जो लर्निंग और डेवलपमेंट टीम्स होती है वो नीड को असेस करती है कि इसके अंदर कोई अगर शॉर्टकमिंग रह गई है, कोई गैप रह गया है, तो किस तरह से जो मतलब आगे के लेवल्स है वहां पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो लर्नर्स फीडबैक इज जनरली फाउंड ऑन द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, कि जो लर्नर से पूछा जाता है, जो सर्वे किया जाता है कि प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव है, जो कोर्स मटेरियल जो है उनको जिसके द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या कंटेंट जो है रेलिवेंट है, और जो ट्रेनर उनको ट्रेनिंग दे रहा है क्या उसकी नॉलेज सफिशेंट है। फिर उसके बाद है लेवल टू लर्निंग। देखो यहाँ पे होता है कि लर्निंग एवेल्युएशन मीन्स के यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट को किस लेवल की लर्निंग चाहिए, किस तरह के स्किल्स, किस तरह के नॉलेज, किस तरह के फैक्ट, किस तरह के प्रिंसिपल्स, किस तरह टेक्निक यूज करके उनको सिखाना है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव यूज करते हैं कि ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जिसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जो मटेरियल दिया जाता है, जो असेसमेंट के मेथड्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को अवैल्यूएट किया जाता है, और यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड जो है यूज किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्री लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे पहले प्री लर्निंग, लर्निंग से पहले क्या मतलब उनकी अवस्था थी और पोस्ट लर्निंग के बाद क्या है, ताकि हमें पता चले कि लर्निंग से पहले उनके अंदर ये चीजें कम थी और लर्निंग के बाद ये चीजों की नॉलेज इनहांस हुई है। तो शुड बी अवैल्यूएटेड थ्रू प्री लर्निंग एंड पोस्ट लर्निंग असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एक्यूरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। और यहाँ पे क्या है कि देखो रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं, इंटरव्यू भी हो सकती है, तो इट कुड बी असेस विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, जॉब सिमुलेशन, स्किल प्रैक्टिसेस और थ्रू इंटरव्यू स्टाइल एवेल्युएशन, ताकि पता चले कि उसकी नॉलेज और स्किल के अंदर जो है उन्होंने गेन किया है या नहीं किया है। बिहेवियर जो है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द ट्रेनिंग एवेल्युएशन। तो यहाँ पे होता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए हैं उन्होंने किस तरह से जो ट्रेनी है उनका बिहेवियर जो है चेंज किया है, क्या ये जो चेंज है पॉजिटिव वे में है। तो यहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस जो होती हैं उनको असेस किया जाता है। तो क्या मतलब, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो उनको सिखाया जाता है, जो उनको स्किल नॉलेज दी जाती है, क्या उन्होंने उसी मैनर के अंदर अंडरस्टैंड किया है। बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं क्या उन्होंने उस स्किल को प्रैक्टिकली भी अब वो यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर के अंदर होते हैं कि जो हमने सीखा है प्रैक्टिकली हम उसी के मुताबिक काम करते हैं। तो मेन थिंग इज टू सी इफ द ट्रेनीज आर एबल टू अप्लाई द थिंग्स दे हैव लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑन द जॉब। तो यहाँ पे होता है कि हमने अपने बिहेवियर के अंदर उन चीजों को अप्लाई किया है या नहीं किया है। रिजल्ट जो है दैट इज द फोर्थ, दैट इज द फाइनल लेवल, जिसके अंदर हम डायरेक्ट रिजल्ट को मेयर करते हैं। तो देखो ये जो है एक मेजर थिंग कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का आउटकम क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने इतना पैसा जो है लगाया है ट्रेनिंग देने के लिए, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकला है, क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजफुल था, क्या इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, कस्टमर सर्विस जो है इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर देखी जाती है। तो देखो जो ट्रेनिंग जो कुर्क पैट्रिक मॉडल है, देखो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है, इसको इसके बेसिस पे हम अवेल्युएट करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ई लर्निंग भी। तो ये हम लॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम लर्निंग को मेयर कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे अगर हम इसको इंटायरली यूज करते हैं तो हमें पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एंड रिजल्ट क्या निकला, और यहाँ पे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो फाइनली जो है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी उस ऑब्जेक्टिव को मीटअप हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि हर लेवल के प्रो एंड कॉन क्या है। देखो लेवल वन जो है रिएक्शन, इसका जो बेनिफिट है तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव जो है मेथड है और क्विक मेथड है, जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है पार्टिसिपेंट से ले सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस है कि देखो इस लेवल के अंदर हम रिएक्शन को जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सुपरफिशियल होते हैं, बिना किसी समझ के ही जो है रिएक्शंस होते हैं, और यहाँ पे जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ लर्नर का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनर और एनवायरमेंट के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर वे के अंदर रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन जो होता है क्विक होता है, सुपरफिशियल होता है। लेवल टू की जो लर्निंग है उसका जो बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी लर्निंग में कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे हम प्री और पोस्ट टेस्ट से देख सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस है, देखो यहाँ पे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो कि टाइम, एफर्ट्स एंड मनी कंज्यूम करते हैं, तो कई बार मैनेजमेंट जो है इतना पैसा नहीं लगाना चाहती क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लगता है उनको, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे लेवल थ्री है प्रो, उसका जो बेनिफिट है बिहेवियर का, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये जो है टेंजिबल प्रूफ मिल जाता है जब वो उसको जॉब के अंदर यूज करता है कि ये नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड उसने सीखा है। लेकिन इसका जो नुकसान है कि देखो यहाँ पे कहना आसान है कि वो उसको यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा, डाटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और डाटा इकट्ठा करने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम और पैसा वेस्ट होता है। लेवल फोर जो है रिजल्ट है, इसका जो प्रो है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है।
तो इसका भी जो डिसएडवांटेजेस है, देखो ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मैनेजमेंट को कई बार लगता है कि इट्स वेस्टेड ऑफ टाइम एंड मनी। तो 100% एक्यूरेसी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बिजनेस के ऊपर, मतलब जो बिजनेस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से आ रहे हैं। तो एक्यूरेटली ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम उसके रिजल्ट के साथ जो है लिंक नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी कुछ पैट्रिक मॉडल जो है ट्रेनिंग एवेल्युएशन का एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसको कि ग्लोबली जो है यूज किया जाता है।